लेकर के आई हूँ जिसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। कोई भी पैक या कोई भी प्रोडक्ट अब नेचुरल बताने से पहले मैं उसको अपने अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। जब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है हमको मुझको तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये पैक बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन कोई भी नेचुरल चीज़ को कंटिन्यू आप यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस पैक के लिए मैंने लिया है आटा लिया है। आटा में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। साथ ही मैंने ये आम लिया है, मैं इसमें आम का पल्प यूज करूँगी। आम बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए, साथ ही इसका छिलका भी, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और एंटी ऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे स्किन में, जिसको एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन टोन, ये हमारे स्किन का टोन लाइट करता है, साथ ही जो फेयरनेस हमारे स्किन को काफ़ी अच्छा देता है। साथ ही मैंने शहद इसमें आधा चम्मच के करीब यूज करूँगी। शहद हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारे स्किन में काफ़ी ग्लो लाता है। इस पैक के लिए मैं एक चम्मच बड़ा कम से कम आटा लूँगी और साथ ही मैंने आधा चम्मच के करीब जो आम का पल्प है वो ले रही हूँ और साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच के करीब मैं आटा यूज करूँगी। ये और साथ ही मैं इसमें 2 ड्रॉप्स के करीब मैं जो है ये डाबर का मैंने लिया है हनी। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पैक हमारे स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इसको अप्लाई आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो करना ही करना है। आप इसको अप्लाई स्किन पे करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। मैंने थोड़ा सा और पल्प डाला है, ऐसा इतना पल्प लेना है कि आपका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बन, और इसको हफ्ते में अप्लाई करना है। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है आपके स्किन पर, और इसको 15 मिनट कम से कम आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से अपना चेहरा वॉश कर लेना है। इस आप पहले इफेक्ट इसका पहली बार जब लगाएंगे तभी आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। देखिए मेरा ग्लोइंग पैक रेडी है, अब मैं इसको अपने स्किन पे अप्लाई करूंगी। इसको अच्छे से आपको स्किन पे लगाना और साथ ही नेक पे भी लगाना है, क्योंकि जो स्किन आपका फेयर हो जाता है और नेक ब्लैक रहता है तो पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है। मैंने इसको चेहरे पे अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको 15 मिनट के बाद इसको वॉश करूंगी। इसका रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करूंगी कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। ये देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। फर्स्ट मैंने आपके सामने इसको लगाएंगे तो इसका रिजल्ट तुरंत आपको दिखेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।